अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर समीना, जीएचएमसी कॉर्पोरेटर, स्टैंडिंग कमेटी मेंबर। अल्हम्दुलिल्लाह नलगुंडे में हम इसे पिछली बार भी आए थे और पूरा फुल डे मदीना मस्जिद में यहाँ पर कैंप रखे थे और रजीत साहब जो है ना इससे पहले भी फोर्स करे थे, अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब रहा जब भी, और अभी भी हमारे सदर साहब की हिदायत के और पाशा खादरी साहब की निगरानी में हम यहाँ पर कैंप रखे हैं और अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह करीब 300 बच्चे हैं। खत्ता के लिए 4 टेबल लगाए हैं। हमारे साथ डॉक्टर अब्दुल मन्नान हैं और डॉक्टर एहसान हैं, डॉक्टर गनी है, पूरी टीम है हम लोगों की और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सक्सेसफुल रह रहा है ये कैंप। और मैं सबसे गुजारिश करती हूँ कि आप कोई भी अगर नई नज़दीक ज़िले में भी कहीं अगर लगाना चाह रहे हैं तो हमारे से कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हम हर साल कहीं ना कहीं कैंप लगाते हैं। उसी तरीके से अब यहाँ पर मदद किया गया है हम लोगों को, पूरी हमारी समीना हॉस्पिटल की टीम यहाँ पर वर्क कर रही है। इंशाल्लाह बहुत अच्छा पैमाने पे काम हो रहा है और हाइजीनिक कंडीशन से, और एक बार सर्कमसिजन रिंग डाल रहे हैं, हम रिंग डालने से बिल्कुल ब्लीडिंग नहीं होती और काफ़ी बच्चों को कर रहे हैं, छोटे से लेकर 10 साल की उम्र तक भी बच्चे अब तक आ रहे हैं और अभी काफ़ी पब्लिक है, अभी कंप्लीट नहीं भी है पब्लिक, अभी तक 60 या 70 कंप्लीट हो गए हो, क्योंकि 3 या 4 टेबल लगे हुए हैं, 4 टेबल पे भी 4 भी डॉक्टर्स काम कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह जल्दी से जल्दी हम लोग कम्प्लीट करेंगे। और इससे पहले पिछली बार 220 करे थे, अब ऐसा महसूस हो रहा शायद 300 भी क्रॉस करेंगे, क्योंकि पब्लिक बहुत ज़्यादा है और दूर दूर से आए हुए लोग हैं, यानी 100 किलोमीटर 50 किलोमीटर कई खेड़े गाँव से आए हुए हैं लोग, ट्रैक्टर में बैठ के काफ़ी बच्चों को 20-25 बच्चों को ले लेके आए, बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। वो लोग यानी वाकई में ज़रूरतमंद लोग थे जिसके लिए हम काम कर रहे हैं, शुक्रिया। आपके डॉक्टर की टीम कितने मेंबर्स आए? 4 डॉक्टर्स हैं हमारे साथ, मैं डॉक्टर समीना हूँ, डॉक्टर अब्दुल मन्ना है, डॉक्टर एहसान है, डॉक्टर गनी है और दूसरे असिस्टेंट डॉक्टर्स भी हैं, खत्ता करने वाले 4। रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं मोहम्मद रजीउद्दीन एडवोकेट, ज़िला सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नलगुंडा। आज शहर नलगुंडा में आल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ज़िला शाख की तरफ से और टाउन शाख की तरफ से यहाँ पे एक मेगा फ्री खतना कैंप को हमने मुनक्किद किया है हमारी जमात की तरफ से। नखीबे मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की भरपूर ताऊन और उनकी इजाज़त और उनकी मदद की तरफ से हम लोग, जो नलगुंडा ज़िला बहुत ही पसमानदा तबका का रहने वाला माना जाता है सारे रियासत में, और यहाँ पे मुसलमान तबका दूर दूर गाँवों में पत्थर फोड़, संग तराश और रोज़वारी कूली का काम करते हैं, और वो लोग को खतना कराने के लिए बिल्कुल वो लोग को बर्डन महसूस होता है प्राइवेट हॉस्पिटल्स में। इसी को मद्देनज़र रखते हुए हमने जमात की तरफ से साबिका साल भी, गुज़िश्ता साल भी, माह रमज़ान ईदुल्फ़ितर के बाद हमने मुनक्किद किया था। अल्हम्दुलिल्लाह एक ही दिन में डॉक्टर समीना और डॉक्टर अब्दुल मन्नान, जो डॉक्टर समीना मैडम के फर्जंद हैं, उनकी पूरी टीम यहाँ पर आकर 12 घंटे लगातार खतना कैंप मुनक्किद कर अल्हम्दुलिल्लाह 220 यानी कि नौनिहालों को, मुसलमान बच्चों को खतना मुनक्किद किए थे कामयाबी से, और जिसके बाद एक भी पेशेंट का कोई शिकायत नहीं आया। अल्हम्दुलिल्लाह इस बार भी हमने ज़ोरों शोर से पूरा इंतज़ाम किया और गांव-गांव से लोग यहां पे जमा हुए, तकरीबन 350 छोटे बच्चों के, यानी कि 0 से 7 साल 9 साल तक की उम्र तक के बच्चों को भी हम लोग यहां पे ख़त्म मुनक्किद कर रहे हैं, और उसमें और एक अच्छा एक एडवांस टेक्नोलॉजी रिंग सिस्टम भी मेंटेन हो रहा है, और जहां पे डॉक्टर समीना, अब्दुल मन्नान साहब और अब्दुल गनी साहब और डॉक्टर एहसान साहब, ये लोग सुबह से ही यहाँ पर आकर अपने खिदमत को अंजाम दे रहे हैं, हम लोग तमाम ज़िले से उनका भरपूर तहदिल से शुक्र अदा करते हैं, क्योंकि वो लोग यहाँ के गुरबत को महसूस करके अपने खिदमत को मुफ्त में यहाँ पे अंजाम दे रहे हैं, जिसके तहत बिना कोई साइड इफ़ेक्ट्स के तमाम खतना होने वाले पेशेंट्स यानी कि बच्चों का मुकम्मल तरीके से कामयाब रहा। तो लिहाजा हम लोग
आप तमाम से मीडिया के जरिए हम ये पैगाम देना चाहते हैं कि इस तरह के खतरनाक कैंप ज़रूर अजलाओं में और रूरल एरियाज में, ख़ास तौर पे जहाँ पे पत्थर पोड़ के तबकात रहते हैं और जहाँ पे रोज़वारी कूली के तबकात रहते हैं, वहाँ पे मुनक़िद करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि यानी कि इकोनॉमिकल बैकवर्ड की वजह से, पैसों का बर्डन होने की वजह से ज़्यादा उम्र तक भी नहीं करा के बच्चों को बिना खतना के रख रहे हैं। उस चीज़ को हम लोग महसूस करना ज़रूरी है। उस चीज़ का खात्मा करते हुए हम लोग अवलिन वक्त में वो लोग की कम उम्र में ही खतना कराने के लिए हर साल इस तरह के खतना कैंप को हम मुनाखिद करेंगे। जज़ाकल्लाहु खैर, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। कहाँ से आए आप? बिल्कुल नए पापा गुंडे में। एक ही बच्चा है आपका? ये मेरा नवासा है। नवासे को लेकर आए? जी हाँ। क्या उम्र है इनकी? इनकी उम्र एक साल निकल गई। कैसा है, दिखना लग रहा है आपको? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा है। यहाँ पर प्राइवेट में कराए तो क्या होता है? प्राइवेट में कराए तो थोड़ा बहुत खर्चा होता है। कितना होता है खर्चा? कम से कम 2,000-2,500 रुपये होता है। अच्छा, बड़े दवाखाने में कराए तो? बड़े तो फ्री हो जाते हैं, हम नहीं जाते वहाँ पे। सरकारी दवाखाने कोई नहीं जाते। हमारे एक आदमी है ना यहाँ पे, उन्होंने क्या नाम उनका, डॉक्टर, वहाँ पे ज़्यादा करा। ये फ्री कैंप में अच्छा है, अच्छा है अलहमद। जमात की तरफ से? हाँ, मुस्लिम की तरफ से। अच्छा है अलहमद। क्या उम्र है बच्चे की? 3 साल। 3 साल है। तो अभी कैसा दिख रहा आपको यहाँ पे कैंप में? अभी फ्री ऑफ कैंप लगाया है यहाँ पे। कितने बच्चों को कराया अभी? हमने अभी फर्स्ट टाइम कराया। फर्स्ट टाइम एक ही बच्चा है? ये पहला बच्चा है आपका? हांजा है। हांजा दसियर भाई, जरा इधर आओ, एक मिनट यहाँ ऊपर चढ़ देखे। बाबा भाई,
अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। आज नलगुंडा शहर में कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नलगुंडा शाख की तरफ से एक मेगा खतना कैंप को मुनक्किद किया गया, जिसमें डॉक्टर समीना, डॉक्टर एहसान और डॉक्टर अब्दुल गनी साहब और डॉक्टर अब्दुल मन्नान साहब की टीम ने, कुल 40 मेंबर्स की टीम ने यहाँ पे 350 से भी ज़ायद खतनाओं को मुकम्मल कामयाबी से मुकम्मल किया और अल्हम्दुलिल्लाह कोई एक खतना में भी कोई किस्म की शिकायत ना रही। और यहाँ के इस ज़िले के गुरबाओं को, वो लोग इतनी दूर से अपना कीमती वक्त इतनी मसरूफियत में भी निकाल कर यहाँ पे आके यहाँ के गरीब गुरबा को यहाँ पे खिदमत अंजाम दिए, उसका हम सारे ज़िले के मुसलमानों की तरफ से तहे दिल से और कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से हम तहे दिल से शुक्र अदा करते हैं। और ये प्रोग्राम गुज़िश्ता साल 2022 में नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की हिदायत पे और उनकी मदद से हमने प्रोग्राम का आगाज़ किया था और अल्हम्दुलिल्लाह ये दूसरा साल है। और यहाँ पे जितने भी दूर दूर दराज के गांवों के लोग हैं, वो लोग के पास खतना की कोई फैसिलिटी नहीं है। यहाँ पे अभी भी वही पुराना सिस्टम चल रहा प्राइवेट हॉस्पिटल में, जो कि रिंग सिस्टम का भी यहाँ पे अभी तक किसी को इल्म नहीं है, माहिरिन कोई नहीं है। और डॉक्टर अब्दुल गनी साहब का तो एक यानी कि लेज़र सिस्टम जो है वो भी बहुत कामयाब रहा, उससे भी बहुत स्पीड अंजाम दिए। और डॉक्टर समीना मैडम और अब्दुल मन्नान साहब की टीम का जो रिंग सिस्टम था उसमें ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में करने में हम लोग कामयाबी हासिल। बहरहाल ये कोई खिदमत मामूली नहीं, बल्कि यहाँ के गुरबाओं की दुआओं का ये ज़रूर इंशाल्लाह इनको अंजाम मिलेगा, अजर व सवाब मिलेगा। और इसी तरह हम लोग आइंदा साल भी बाद रमज़ान के इंशाल्लाह ज़रूर मुकम्मल इनकाद करेंगे, इनकाद को अमल में लाएंगे। और हमारी जमात इस तरह के पेचीदे मसले जितने भी मुसलमानों के हैं, उस पेचीदे मसलों को बराबर गिन चुन कर उसका हल निकालने तक, उसकी यानी कि उसके अमल करने तक हम लोग उसकी तकमील तक पहुँचेंगे। और रही बात जहाँ तक का भी माइनॉरिटीज़ का अखिलियत का मसला है, ये आने वाले इलेक्शंस में भी बहुत सारे लोग अपने अपने नापाक साजिशों के तहत यहाँ के फ़िरका वाराना ताकतें कुछ असर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हर घर तक पहुँच कर ज़रूर इंशाल्लाह हर एक के साथ खड़े रहेगी, हर एक को इंशाल्लाह जितने भी खिदमात चाहिए हम लोग करने के लिए तैयार है। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। अज़ीज़ाने मिल्लत, आज का ये मेगा खतना कैंप कामयाबी से मुकम्मल हुआ, जिसमें 350 से भी ज़ायद लोग को हम लोग यहाँ पे कामयाबी से खतना कैंप में यानी कि सर्कमसेशन की सर्जरी कामयाबी से मुकम्मल की। और इस प्रोग्राम में मीडिया के साथ ही लोग जनाब तजमुल खान साहब जो हैदराबाद से अपनी पूरी टीम से यहाँ पे तशरीफ़ लाए, और यहाँ पे कलीम खान साहब और यहाँ पे अशफाक साहब, ज़ुबैर साहब और वैसे मेरे पार्टी के नौजवान साथियाँ और बुजुर्गान दीन साथियाँ जितने भी लीडर्स यहाँ पे काम करे हैं, हम सबका तहे दिल से शुक्र अदा करते हैं। उनकी मेहनतों के, कोशिशों के, काविशों के बगैर ये कामयाबी से मुकम्मल होना मुमकिन नहीं था। बल्कि 8 दिन से लगातार तमाम जो डिस्ट्रिक्ट कमेटी, टाउन कमेटी, वार्ड कमेटीज़ के लोग मेहनत करें, हर गरीब तक पहुंच सके, वो लोग को सबको लेके आके कामयाबी से मुकम्मल।